इस बार गर्मियों ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। इसकी वजह रही जलवायु परिवर्तन। जून में पूरी दुनिया ने भीषण गर्मी झेली। भारत के लोग भी इस गर्मी की वजह से बहुत परेशान हुए। राजस्थान से लेकर यूपी तक और एमपी से लेकर बिहार तक गर्मी का कहर बरसा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गर्मी ने कहां, कैसे और कितना परेशान किया। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस बार जून माह के 9 दिन पूरे विश्व ने भीषण गर्मी का सामना किया। गर्मी से कई लोगों की जाने तक चली गई। क्लाइमेट चेंज की वजह से इस साल दुनिया भर के करीब 5 अरब लोगों ने जून के 9 दिन भीषण गर्मी का सामना किया। इसमें भारत में सबसे ज्यादा 61.9 करोड़ लोग प्रभावित हुए। अमेरिका में वैज्ञानिकों के एक स्वतंत्र समूह क्लाइमेट सेंट्रल के नए विश्लेषण में इसका खुलासा हुआ है। भारत ने इस साल सबसे भीषण गर्मी का अनुभव किया। यहां 40,000 से अधिक हीट स्ट्रोक के मामले दर्ज किए गए। भीषण गर्मी ने जल आपूर्ति प्रणाली और पावर ग्रिड को फेल कर दिया, जबकि दिल्ली गंभीर जल संकट से जूझ रही है। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार अप्रैल से जून की अवधि के दौरान देश के लगभग 40% हिस्से में सामान्य से दोगुने दिन हीट वेव दर्ज किए गए। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। कई स्थानों पर रात का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। दिल्ली में 13 मई से लगातार 40 दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। क्लाइमेट सेंट्रल के एक मुख्य कार्यक्रम अधिकारी एंड्रयू पोर्शिंग ने कहा, एक सदी से भी ज्यादा वक्त तक कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाने से हमें एक खतरनाक दुनिया मिली है। 16 से 24 जून के बीच 4.97 अरब लोगों ने अत्यधिक गर्मी का अनुभव किया। वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन समूह के एक अध्ययन में पाया गया कि जलवायु परिवर्तन ने मई और जून की भीषण गर्मी को 35 गुना अधिक कर दिया। जून में भीषण गर्मी ने भारत में 61.9 करोड़, चीन में 57.9 करोड़, इंडोनेशिया में 23.1 करोड़, नाइजीरिया में 20.6 करोड़, ब्राजील में 17.6 करोड़, बांग्लादेश में 17.1 करोड़, अमेरिका में 16.5 करोड़, यूरोप में 15.2 करोड़, मेक्सिको में 12.3 करोड़, इथियोपिया में 12.1 करोड़ और मिस्र में 10.3 करोड़ लोगों पर असर डाला गया। अब इस भीषण गर्मी के चलते सऊदी अरब में सालाना हज यात्रा के दौरान गर्मी से जुड़ी बीमारियों से कम 1300 लोगों की मौत हो गई। यहां कुछ शहरों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था। क्लाइमेट सेंट्रल के विश्लेषण में देखा गया कि मक्का शहर में 18 मई से हर दिन जलवायु परिवर्तन के कारण कम से कम 3 गुना अधिक तापमान और 24 मई से 5 गुना अधिक तापमान का अनुभव हुआ। यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित पहल क्लाइमेट मीटर में वैज्ञानिकों ने पिछले विश्लेषण में पाया जलवायु परिवर्तन ने सऊदी अरब में गर्मी की लहर को 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया। जून की भीषण गर्मी में अमेरिका के दक्षिणी भाग, मैक्सिको और मध्य अमेरिका पर खासा असर डाला। मेक्सिको में 21 जून को सोनोरा राज्य में तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया, जहां 125 लोगों की मौत हो गई। भारत में जून में 40,000 से ज्यादा लू लगने के मामले सामने आए, वहीं 100 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मिस्र में हाल के दिनों में तापमान 50 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। दक्षिणी प्रांत आसमान में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई। इस देश में उबलते तापमान ने पूरे देश में ऊर्जा की खपत भी बढ़ा दी। क्या आपने भी ये गर्मी महसूस की थी? इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।